अरे मीठी बोली कोई नहीं, करिया करिया मोहन सखिया मोई लाई दे, काले काले मोहन सखिया मोई लाई दे, तीनों जा रही है ये तीनों जादूगर नारे घर द्वार भूली गई, तीनों जादूगर नारे घर द्वार भूली गई, पति अपने छोड़े श्याम के संग नाच गई रे, नाच संग कन्हैया भैया। भगवान कन्हैया ने महाराज लीला करने के बाद में सुखदेव परीचित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले कि जब भगवान कन्हैया ने दो छपरियां कमल के पुष्प भी भिजवा दिए, कंस उस छपरियां को पुष्प को देख करके बहुत चिंता में पड़ता जा रहा है, अब क्या होगा, एक ये ही मार्ग था काल मरने का, ये भी काल नहीं मरा, अब कैसे मरेगा, अब तो हमारी मौत आएगी, याद रखना मौत का समय जो निश्चित है अब उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी, परमपिता परमात्मा ने जो समय निश्चित कर दिया उसी समय परमपिता परमात्मा के पास के लिए जाना होता है। आज नारद का आगमन हुआ, नारद ने जवाब दिया क्यों चिंता में बैठे हो, तो नारद से बोले हैं भोजराज कंस बाबा जी मैं क्या बताऊं, तुमने दो छपरियां कमल के पुष्प बताए थे वो भी आ गए, पर लेकिन हमारा काल किसी प्रकार नहीं मरा, लेकिन नहीं मरा, एक काम करो जाओ कह देना जाके तुम्हारे पास में धनुष यज्ञ है वो यज्ञ कर लो, या खत भिजवा दो, या किसी के द्वारा बुलवा लो, निमंत्रण दो, कन्हैया बलराम आएंगे, यही तुम्हारे ससुर जरासंध ने जो कुमलिया पीड़ा हाथी दिया था, शराब पिला करके इतनी शराब पिलाओ कुमलिया पीड़ा हाथी ही पद कर देगा, अगर कुमलिया पीड़ा हाथी पद नहीं कर पाएगा अक्रूर को भेज करके बुला करके शंख चारुर पहलवान है उन पर मरवा देना, बहुत तंगड़े पहलवान है, जवाब दिया ठीक है, श्याम सुंदर को बुलवाने के लिए अक्रूर को बुलाओ, ताकि जाओ ये खत ले जाओ कन्हैया को दे देना, अक्रूर जैसे ही चले हैं बाबा नंद मैया सोदा को जैसे ही ये सूचना मिली है, कन्हैया ने कहा मामा ने बुलाया है, पहली बार बुलाया मैं जरूर जाऊंगा, ये बात रोहिणी को मालूम पड़ गई, रोहिणी बलराम के पास में पहुंची, जवाब दिया बलराम बलराम चले जाओ कहीं, सुबह कन्हैया मथुरा जा रहा है, अब मथुरा कल मारा जाएगा, बलराम मैया रोहिणी से बोले हैं माँ कि हम झुके इसी कदरी झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे राधा उभरती है,
आती है। कन्हैया अगर जाएगा तो मैया मैं भी जाऊंगा, कन्हैया मारा जाएगा तो मैं भी मारे जाएंगे। पहली बात, हम और कन्हैया मथुरा की ईंट की ईंट बजाएंगे। श्याम सुंदर के साथ में बलराम पहुंचे, रथ सजाया, रथ जैसी सजाया है, राधा को मालूम पड़ गया।